दो बॉडीज हैं, एक दूसरे के एक्चुअल कॉन्टैक्ट में आए या ना आए, लेकिन चलते हुए इन्होंने एक दूसरे के मोशन को अफेक्ट कर दिया, एक ने दूसरे पर अफेक्ट डाला। जरूरी के एक ही लाइन पर दोनों चल रहे हो, एक लाइन पर आए, चलते चलते लाइन इनके मोशन की डिफरेंट हो गई, तब भी कोलिजन कहा जाएगा। दो बॉडीज ने आपस में एक दूसरे से को इंटैक्ट किया, कैसे, सच दैट दे अफेक्ट द मोशन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मोशन को इन्होंने अफेक्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड कोलिजन। क्या कहा जाएगा इसे, कोलिजन। समझ आई इतनी बात। अब दो तरह के कोलिजन हो गए, एक ऐसा कोलिजन जिसमें कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। अब इस कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, देखिए मोमेंटम तो कंजर्व रहना ही रहना है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, अपनी जगह बना हुआ है। दो बॉडीज आपस में टकराई, इसका कुछ मोमेंटम दूसरे में ट्रांसफर हो गया, जितना इसका कम हुआ उतना ही दूसरे का बढ़ गया। टकराने से पहले जितना मोमेंटम था, टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम मिलकर अब भी उतना ही बना रहना है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता। अगर इस कोलिजन के प्रोसेस में कोई भी एक फोर्स इन्वॉल्व हो गई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया बाय द वे, तो अब काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में या किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जितनी काइनेटिक एनर्जी बॉडीज की कोलिजन से पहले थी, अब कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं रहनी, अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जानी है, चेंज हो जानी है, कम हो जानी है। कभी कभार काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी जाती है, बढ़ भी जाती है काइनेटिक एनर्जी। बढ़ेगी कैसे, बढ़ाने के लिए कौन आएगा, कैसे बढ़ेगी? ठीक है, कम होना तो समझ में आगे बात, फ्रिक्शन है या कोई और फोर्स इन्वॉल्व हो जाए, बढ़ जाती है। आप दिवाली का पटाखा चलाते, यहां से लिया, ऊपर छोड़ा, ऊपर जाके जब वो फटता है तो उसमें बहुत सारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी और फ्रेगमेंट्स में, तभी तो वो फ्रेगमेंट्स आपको बिखरते हुए फूल की तरह बनते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उनकी। बहरहाल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए या घट जाए, दोनों ही केस में कहा जाएगा इन इलास्टिक कोलिजन। क्या, इन इलास्टिक कोलिजन। और जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी तो इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम तो कंजर्व रहना ही रहना है। इलास्टिक कंजर्व कब, इलास्टिक कोलिजन कब होना है, जब एक भी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव ना हो। जितनी भी फोर्स इन्वॉल्व हो रही है पूरे के पूरे कोलिजन प्रोसेस में, ये सारी की सारी फोर्सेज होनी चाहिए, सारी फोर्सेज है कंजर्वेटिव फोर्सेज, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस तरह की फोर्सेज। और अगर इनमें से कोई भी एक फोर्स आ गई नॉन कंजर्वेटिव, अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाएगी, अभी हो जाएगा कौन सा कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो लिखे इसमें हम, देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए छोटी सी, इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज सच दैट द लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। इट हैपन्स व्हेन ऑल द फोर्सेज इन्वॉल्व्ड इन कोलिजन आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। नेक्स्ट पैराग्राफ में हेडिंग डाल लीजिए, इन इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन बिटवीन टू और मोर बॉडीज such that only linear momentum of system remain conserved but the kinetic energy of system does not remain conserved. It happens when at least one of the forces involved in collision is non-conservative.
दिस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कन्वर्ट सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट लाइट साउंड एटसेट्रा विच गेट डेसिपेटेड आउट ऑफ सिस्टम.